से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रात में बमबारी की है। रूस की मीडिया ने दरअसल ये दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने नाटो कैलिबर से डोनेट्स्क सेंटर पर हमला किया, जिसके बाद रेलवे प्रशासन की इमारत में भीषण आग लग गई। तो रूस की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन ने डोनेट्स्क सेंटर पर हमला किया। ये तस्वीरें देखिए बेहद डराने वाली, जिसमें रेलवे की बिल्डिंग में किस तरीके से भीषण आग लग गई। रूसी मीडिया ये दावा कर रहा है कि दरअसल ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। बिहार के मोतिहारी से हैरान कर देने वाली खबर सामने, जहां विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस को ही लोगों ने बंधक बना लिया। दो भाइयों के बीच हुए विवाद को पुलिस सुलझाने पहुंची थी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को ही बंधक बना लिया। जहां से भी पुलिस वाले अपनी गाड़ी से निकलने की कोशिश करते, वहां पर लोगों ने लकड़ी रख कर रास्ता रोक दिया। बड़े अधिकारियों को जब घटना की जानकारी मिली तो वो हरकत में आ गए। करीब डेढ़ इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। घंटे बाद किसी तरह पुलिस को मुक्त कराया गया। घटना मोतिहारी के ढाका थाने इलाके की है, जहां दो भाइयों के बीच पहले से जमीन विवाद चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए गाँव के लोग बैठे थे। इसी दौरान दोनों के बीच झड़प शुरू हो गयी और इसी बीच किसी ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुला दिया। पुलिस पर घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और उन्हें घेर लिया। हालांकि पुलिस इस मामले में दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कर रही है।